हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गायत्री और गायत्री फूड मैजिक में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल चना गार्लिक ड्राई, जो एक स्टार्टर वाली डिश है। इसको आप इवनिंग स्नैक्स में भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एक कप काबुली चना ले लेंगे। मैंने इसको 7 से 8 घंटे पानी में भिगो के रखा था। आप इसको रात भर भी सोख करके रख सकते हैं। फिर हम इसको एक प्रेशर कुकर में डालेंगे और 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। फिर हम इसमें नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक इस्तेमाल करें। मैं इसमें 3/4 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। फिर कुकर का लिड बंद करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 सीटी आने तक उबालेंगे। बाकी सामग्री में हमें चाहिए 2 से 3 हरी मिर्च, 10 से 15 लहसुन की कलियां, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 2 टेबलस्पून चावल का आटा। फिर हम इसका मसाला तैयार करेंगे। एक जगह पे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून भुना हुआ जीरे का पाउडर ले लेंगे। फिर हम इसमें 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर ले लेंगे और मसाले को अच्छे से मिला के तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो आमचूर पाउडर के बदले चाट मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, चना अच्छे से उबल चुका है। अब हम इसमें चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे, जैसे कि सारी पाउडर इसके ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। फिर एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल गरम होते ही इसमें हरी मिर्च को इस तरह से तेल में थोड़ी देर फ्राई करेंगे। फ्राई करने से पहले मिर्च को बीच से थोड़ा थोड़ा काट लें, ताकि इसमें से तेल छिटक के बाहर ना उछले। इसी प्रोसेस से हम लहसुन की कलियों को भी फ्राई करेंगे। फ्राई करते समय अपनी सेफ्टी के लिए किसी भी ढक्कन को ऐसे सामने रखें ताकि गर्म तेल छिटक के आपके ऊपर ना आए। फिर हम कोट किए हुए चने को ऐसे धीरे से तेल में डालेंगे और इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये बाहर से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए। हम गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। आप चने को ऐसे सावधानी से धीरे से तेल में डालें। बीच बीच में आप इसको चलाते रहें। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है। अब हम इसको ऐसे छानते हुए किचन टॉवल या फिर टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे। फिर हम गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे और उसमें 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल गर्म होते ही उसमें तैयार किया हुआ मसाले का 1 बड़ा चम्मच इसमें डालेंगे और मसालों को थोड़ी देर तेल में भूनेंगे। अब हम इसमें फ्राई किए हुए चने को डालेंगे और इसको मसालों में अच्छे से मिलाएंगे। फिर इसमें फ्राई किए हुए लहसुन और हरी मिर्च डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। तो तैयार है आपका चना गार्लिक ड्राई। इसको एक प्लेट में निकालिए और ऊपर से नींबू के स्लाइसेस रख के गर्मा गर्म सर्व कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।